नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी पप्पू यादव। जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा इस समय चारों तरफ है। पिछले दिनों भावनाओं में बहकर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिससे वह कई दिनों तक काफी चर्चा में रहे। यही नहीं, पप्पू यादव ने मुंबई आकर भी चैलेंज किया, लेकिन अब पप्पू यादव के लिए वही चैलेंज उनके गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉरेंस के किसी शूटर ने पप्पू यादव को धमकी दिया है और इस धमकी के बाद पप्पू यादव न तो किसी से मिले हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव को मिली धमकी की ऑडियो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर वायरल है। हालांकि अभी तक धमकी देने वाले की पहचान उजागर नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह का लॉरेंस का रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से लोग पप्पू यादव के लिए आगे की राह को मुश्किल मान रहे हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी के पास वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसके बावजूद भी लॉरेंस के शूटर्स ने बड़ी आसानी से उनकी हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को काफी खरी खोटी सुनाई थी और 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को समाप्त करने की बात कही थी। लेकिन 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को खत्म करने की बात करने वाले पप्पू यादव अब गृह मंत्रालय से जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फोन कॉल आया है और उन्हें रेस्ट इन पीस करने की धमकी दी गई है। हालांकि इस फोन कॉल पर पप्पू यादव ने बड़ी ही शालीनता से अपनी बात रखी, मगर उधर से काफी एग्रेसिव टोन में बात हो रही थी। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी पप्पू यादव। जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई कोई दुश्मनी चीज है। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए, पप्पू दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकली, उन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। अब पप्पू यादव ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपने लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाकर उसको जेड श्रेणी करने की मांग की है। इस घटना के बाद से पप्पू यादव पर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खुद को बाघ का करेजा कहने वाले पप्पू यादव इतने डरे और सहमे से क्यों हैं? वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को समाप्त करने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, लेकिन एक काल आने पर ही उनकी सिट्टी पुट्टी गुम क्यों हो गई? हालांकि आपको बता दें कि पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जानबूझकर पप्पू यादव ने उड़ता तीर अपने हाथ में ले लिया और अब सिक्योरिटी की गुहार लगा रहे हैं।
सलमान खान के बाद अब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जान से मारने की धमकी मिल रही है। पप्पू ने विभिन्न कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास भी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। बिश्नोई को 24 घंटे में खत्म करने की बात करने वाले पप्पू यादव इतनी जल्दी बैकफुट पर आ जाएंगे, इस बात पर भी लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले में अब कौन सा नया मोड़ आता है। आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव और लॉरेंस गैंग के सदस्य के बीच हुई बातचीत का कुछ अंश। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी पप्पू यादव। जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई नहीं कोई भी दुश्मनी दुश्मन चीजें ऊपर वाला। देखिए एक बार जानिए पप्पू करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नाम जाने, मेरे हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकली, उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र डिस्टर्ब करना। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत न्यूज। जय हिंद जय भारत।